सीडर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो है डिफरेंस आज हम आपको बताएंगे ना, जो बीरबल कंपनी जो बीरबल सुपर सीडर जो चीमा मंडी में जो बनाने लग रहे हैं, वो सुपर सीडर के अंदर मोटा मोटा डिफरेंस हम आपको बताएंगे बिल्कुल एक एक पुर्जे के साथ। चलिए मैं जो है आपको जो है इनके डिफरेंस बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस जो है इनके अंदर आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आज सुपर सीडर के मामले में हम डिफरेंस जो है आपसे पूछेंगे कि क्या क्या डिफरेंस जो है सुपर सीडर में आए हुए हैं जो ज़मींदार को ध्यान में रखने होते हैं। जैसे आपके पास दो ये हैं अलग अलग तवे रखे हुए हैं, गेयर बॉक्स हैं, सारी चीज़ें जो सुपर सीडर में भाई मेन मेन जो लगती हैं वो सारी हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो आज हम साहब से पूछेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है भाई, मतलब कि क्या होता है ना, आप देखते हो भाई हर एक बोलता है मैं सुपर सीडर बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। सुपर सीडर तो हर कोई बना देता है, किसान रेट देख लेता है या नाम देख लेता है, कभी वो बारीकी में देखता नहीं है भी कहाँ पे क्या चीज़ देखनी है मेरे को, कहाँ पे नहीं देखनी है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कोई भी किसान बात ही नहीं करता। ठीक है, बात देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये पत्तियाँ होती हैं, ये जो भाई मैं बता दूँ ये पत्तियाँ कहाँ लगती हैं, ये जो तवे होते हैं तवे के साइड में मिट्टी उतारने के लिए, ऐसा ही है जी? बिल्कुल, मिट्टी उतारने के लिए काम में आती हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, आपने ये दोनों पीस क्यों रखे हुए हैं? मैंने इसलिए रखे हैं जी, ये आप हाथ में पकड़ के देखो, ये 8 mm का है जी। बिल्कुल जी, ये 8 mm का, ये 5 mm का है ये भाई। इसके अंदर आप डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस इन दोनों के अंदर है। देखो जी, लंबाई इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, कोई भी किसान इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करता। बिल्कुल जी। इसका पता क्या होता है जी, जब ये मतलब कि कोई जब ज़मीन में चलता है जी, जब मिट्टी हार्ड आती है तो ये ऊपर उठने लग जाती हैं जी, तवे की मिट्टी को ना उतार के भाई जो है ये खुद ही उठने लग जाती है तवे पे। ये हैवी है जी, नहीं उठेगी। बिल्कुल जी, हैवी है, दिखाई दे रही है जी। अभी हम नेक्स्ट बात की बात करते हैं। देखो बहुत सी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, जो मैं सबसे पहले मेन पॉइंट बताऊंगा। हाँ जी। अभी ये देखो जो हमारी टाइन है, अच्छा ये भाई जो यहाँ पे तवी जो है, तवी जिसको बोलते हैं वो कसी जाती है किस तरफ एक उस तरफ, ये टाइन है। ठीक है, खाद और बीज इसी के अंदर जो, ठीक है भाई साहब, ये टाइन है। बिल्कुल जी। अब क्या होता है, जब गेहूं की बिजाई होती है वो मॉइस्चर का समय होता है, मॉइस्चर के समय में मशीन अंदर खड़ी कर लो, मतलब कि जो खाद होती है उसमें मॉइस्चर आता है वो जम जाती है। आप इसको किसको कैमरे में दिखाओ, इसमें आप ना इतना बड़ा पत्थर ही फेंक दो तो भी निकल जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि काफ़ी साइज है इसके अंदर, काफ़ी बड़ा साइज है। एक जे जुगाड़ू सिस्टम आ गया जो आम मार्केट में लगाते हैं। अच्छा ठीक है, ये देखो दो पैर बेल्ट कर दिए, ये लगा दिया। अभी इसके अंदर देखो आप, ये डिफरेंस जो है दिखा रहे हैं साहब की जो है ऐसे जो है डिफरेंस, ये क्योंकि मेरी बात सुनो। हाँ जी। देखो वजन हो सकता दोनों का सेम हो, क्योंकि हमने आप मशीन ले रहे हो, लोहा थोड़ू खरीद ले हो, मतलब कि मशीन का मतलब क्या होता है भाई, लोहा तो लोहा होता है उसको डंग से लगाना। जे इस चीज़ को हमने डाई बनाई, फिर इसके लिए मशीन लगाए, लेबर लगाई, ताकि भी हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू बनी रहे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगी। और ये सफाई देखो, इन दोनों में सफाई नहीं है, और जो है अलग अलग मटेरियल है सारा। फिर जो ये हब लगी होती हैं, हाँ, जिस पे तवी कसी जाती है, अपने किसी का तो पता नहीं पर अपना बताता हूँ। हाँ जी। अपनी ये स्टील की हब है, आपको मैंने अंदर दिखाया था। बिल्कुल जी। ये स्पेसर आ गया, इसके बाद ओरिजिनल नया डबल जेड का बैरिंग। ये भाई ये जो है ये बैरिंग जो है साहब इसके अंदर यूज करते हैं, और आगे पीछे जो है इसकी वार्सल यूज करते हैं। फिर बाशल, फिर लॉक, फिर ये टोपी, फिर लॉक, ताकि इसमें मिट्टी ना जाए, मिट्टी जाने क्योंकि इसके चक्कर तो होते नहीं, इसने तो ऐसे घूमना होता है। बिल्कुल जी। लोग इसमें मतलब कि पुराना बैरिंग यूज करते हैं भाई सब डिस्पोजल, क्योंकि दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंदर है ना ही कोई इसके बारे में बात करता है ना ही कोई, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं तो किसान ये कहते हैं भाई इसके अंदर ग्रीस की निप्पल आनी चाहिए,
देश की निपल की डिमांड वो इसलिए करते हैं कि ये जाम हो जाता है, एक सीजन मारा तो ये जाम हो गया। और इसकी जाम इसलिए होता ना जी, जो पुराना बैरिंग होता है उसके कभी जेड नहीं लगा होता। इसमें देखो जेड लगा हुआ है प्रॉपर आपके हाथ में बैरिंग, बिल्कुल जी, ये इसके अंदर देखो, ठीक है जी, कंपनी ने जेड क्यों दिया है? अगर इसको बैरिंग को ग्रीस की जरूरत होती तो कंपनी भी पॉइंट देती ना जी। कंपनी ने इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी की ग्रीस डाली, एक तो इसके चक्कर नहीं है, दूसरी इसको जरूरत नहीं पड़ती ग्रीस की। इसमें जरूरत जब ये ओरिजिनल बैरिंग लगा दिया, अब इसको हमने पूरा मिट्टी से कवर कर दिया, नहीं तो ये जाम होगा भाई साहब। बिल्कुल, जब पुराने बैरिंग होते हैं जी तो वो इसमें मिट्टी चली जाती है तो जाम हो जाते हैं, टूटते हैं, ये सब होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे भाई साहब, ये देखो जो हमारा ब्लेड है, हाँ जी, ये भाई साहब 8 mm तो मोटा आता है, 8 mm की मोटाई का ये ब्लेड है। और भाई साहब ये ब्लेड 80 mm की चौड़ाई में रहता है। अच्छा जी, जो मार्केट में ब्लेड है 70 mm रहता है। अच्छा, और ये 7 mm में रहता है, ये 7 mm में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भाई साहब जो हमारे क्लंप लगे हुए हैं, बिल्कुल जी, काफी हैवी क्लंप है, ये देखो भाई आप, ठीक है, इसको हम ये 130 रुपए का पत्ती सेट मानते हैं। ये देखो आप इसमें, देखो ये कितना फर्क है दोनों में, जो है बहुत ही ज्यादा अंतर है, ये देखो मोटाई में भी, इसकी क्वालिटी देखो ऊपर से, बिल्कुल जी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, अभी जो मेन बात आती है अपना बीरबल का रोटावेटर, लोग पानी का हम चैलेंज करते हैं भाई पानी के गिलास रख के जला लो, बिल्कुल जी, जो अपना सुपर सीडर उसमें ये 10 mm की मोटाई का पाइप लगता है। अच्छा, ये इतनी मोटाई, हाँ, ये मार्केट में ये लगता है। एक बार दोनों को साथ में मिलाओ जी, ये देखो भाई, ये जो है ये डिफरेंस जो है देखना होता है किसान को, लेकिन उसको तो बार बार से दिखाई देता है। तो ये हम आज डीप की वीडियो बना रहे हैं कि अंदर से जो है क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, ये डिमांड क्या करो। फिर ये देखो मैकेनिकल सील है। अच्छा जी, इसका क्या काम है? पता क्या है जी, इसका काम ये है, जो सुपर सीडर का किसान कल को रोटावेटर बनाता है, ये पानी में भी चल के लीक नहीं होती। अच्छा जी, और ये रबड़ की सील है, ये कट जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमने बाजार में भी देखी हैं और जितने भी चीज़ें देखी उनमें यही मिलती हैं, दुकान पर जाएंगे तो यही मिलेगी, ठीक है जी। तो ये जो मैकेनिकल सील है, ये मैकेनिकल सील है इनकी, ये एक साइड दो लगती हैं और ये एक ही लगती है, एक टोटल 4 पीस लगते हैं, इनको बोलते हैं मैकेनिकल सील जो है, इन चीजों को बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को इन सभी चीजों का पता नहीं है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, अगला बोलता है भाई 2 डिस्क है, हाँ जी हमारी भी 2 डिस्क है, हाँ जी, एक इस डिस्क को उठाओ भाई साहब आप, एक अभी इसको पकड़ो आप, ये तो बिल्कुल हल्की है, ये भाई साहब 3 mm की 14 इंची है, ये 16 इंची 5 mm की है, ये देखो भाई मेरे हाथ से तो उठाई भी नहीं जो है, मैं एक बार जो है ना किसान को यहाँ से दिखा दूँ, आप मोटाई का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं इसका और इसका, ये देखो आप। एक बात और बताता हूँ भाई साहब, बीच लोग बोलने लग जाते हैं भाई यार ये वीडियो में, मैं चैलेंज करता हूँ जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री में कभी खुला सौदा किसी को रोकते नहीं हम, कभी आओ आप, आपके चेक कर सकते हो भाई जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो है या नहीं है, अगर एक ही बात में फ़र्क है तो आप उसके जिम्मेवार हैं। भाई ने भाई बहुत बड़ी बात जो कही है, बहुत बड़ा जो है चैलेंज किया किसानों को, भाई आप जो है हमारा प्रोडक्ट जो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें आप कभी भी आओ और प्लांट पर आके कभी भी अंदर जाके देखो, कोई जो है मना भाई साहब, ये डिस्क के आगे लगता जफ़ा जिसमें साइड के जो है तवे लगते हैं, डोल के तरफ ये देखो, इसका मोटा लगाने का फायदा पता क्या होता है, ये मेरे से नहीं उठेगा जी, ये देखो कितना हैवी जो है ये मटेरियल। फिर लोग ये पत्ती का लगा देते हैं, हाँ ये वाला मैक्सिमम यही दिखता है हमारे को, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये भाई साहब रोटावेटर के लिए अच्छा है, मैं रोटावेटर में यही लगाता हूँ। अच्छा, सुपर सीडर में क्या होता है भाई साहब, भाई जो फाने होते हैं धान के उसकी कटाई करनी होती है और बड़ा मोटा हैवी तवा लगता है, क्योंकि डोले की तरफ चलता है जी, ठीक है, तो उस देखो जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है हम वो ही लगाते हैं, लोग क्या करते हैं सब रेट के चक्कर में एक ही जैसा कर देते हैं। अभी सबसे मेन और अहम बात बताता हूँ आपको मैं, हाँ जी, अभी मार्केट में आज 3 तरह के सुपर सीडर चल रहे हैं, वैसे तो 2 तरह के चलते हैं, हाँ जी भाई, मार्केट में आजकल बोलता है यार फुली ड्राइव दे दो, हमें फुली गियर चाहिए, फुली गियर चाहिए, तो फुली गियर है, एक तो आता है बर्म गियर वाला, उसमें भाई साहब ये 2 गरारी लगी होती हैं, ये बर्म गियर की गरारी ये टूटी रहती हैं, इसकी इतनी कंप्लेंट है भाई, हमने ट्रायल किया इसकी बहुत कंप्लेंट है। फिर एक आता है भाई
पूरे का पूरा साइड गियर लगाओ तो उसमें 6 गरारी लगी होती है। मैं वो बता दूं भाई आपको इनके अंदर क्या डिफरेंस में लगा, जो ये गरारी आपने देखी है ये वाली, उसमें तो वो जो साइड में आपको पाइप की तरह दिखाई देगा पीटीओ की तरह है, तो वो तो आपको ये वाला गियर दिखाई देगा। और आजकल एक जो जैसे रोटावेटर का गियर बॉक्स होता है, ये देखो फोटो में दिखाओ आप, इसको जूम करके आप ये देखो भाई, ये इसको बर्म गियर बोलते हैं। हाँ ये वाला इसमें कंप्लेंट है भाई साहब, हमने ट्रायल किया था पिछले साल, थोड़े पीस बनाए थे, इसमें कंप्लेंट बहुत आई हमने। अच्छा जी, तो एक ये वाला अभी हम लगाते हैं भाई साहब, ये हम पिछले 5-7 से लगा रहे हैं। अच्छा ये वाला गियर बॉक्स। हाँ जा, एक लोग लगाते हैं भाई साहब 5-6 गरारी लगा देते हैं। अभी देखो एक सीजन की वारंटी होती है कंपनी की तरफ से, एक सीजन तो कंपनी निकाल देगी। अभी किसान ने मशीन एक सीजन के लिए तो लेनी नहीं है, बिल्कुल 2 साल बाद उसकी एक गरारी टूट गई भाई साहब, वो कहाँ से मिलेगी उसको, कहीं से नहीं मिलेगी, उसकी मशीन खराब हुई। दूसरी बात क्या है, उन मशीनों से कंपनी का डबल फायदा है, एक तो उसकी कॉस्ट कम आ जाती है, दूसरी बात क्या होता है भाई साहब, उसमें डिफ्लेक्टर देने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको डाला बोलते हैं पंजाबी में रोटावेटर का जी, वो 8-10 हज़ार का बहुत फायदा हो जाता है। फिर उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलती है, मतलब कंपनी का इन चीज़ों से 20-22 हज़ार का फायदा हो जाता है। जो हम लगाते हैं हमारे वाला प्रॉपर रोटावेटर बनता है, अगर किसी ने 5 मिनट वाला रोटावेटर बनाना वो भी बनता है। फिर दूसरी बात क्या है, इसमें जो ये गियर बक्स है, हाँ जी, इसमें भाई साहब क्या होता है ना, इसमें इस तरह की मोटाई की 6-3 गरारी होती है, 6 बैरिंग होते हैं। अच्छा, ये कभी भी ये जो रोटावेटर में साइड में लगी होती है वो गरारी होती है। अच्छा जी, ये कभी भी भाई साहब टूटती नहीं है, ये तो काफ़ी हैवी गरारी होती है। देखो इसको उठा के देखो आप, हमारे से तो जो जी हमने ये उठा के देखा था, और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 किलो के आसपास जो इसके अंदर। हाँ भाई साहब, इसको क्या है, इसकी क्वालिटी है भाई, फिर इसमें हम डायमंड की चेन लगा देते हैं। अच्छा डायमंड की, ये चेन भाई जो है भाई साहब जो है यूज करते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, डायमंड लिखा हुआ है ये देखो, हर एक जगह पे, हर जगह लिखा हुआ, हर जगह पे मोर लगा होता है, ये देखो ये डायमंड का है, ठीक है। और मेन बात क्या है भाई साहब, पहली बात तो पहले जब स्टार्टिंग में सुपर सीडर आया था, दोनों चेनें लगी हुई थी, वो पहले टूटती थी कि रोलर प्लेटें घूमती थी, अब तो खाली रोलर घूमना है, अगर उसको कुछ भी ड्राइव ना दे तो भी घूम जाता है वो। फिर तो ये गियर लगा दिया, और ये चेन अब ऊपर ऊपर चलती है, ये भाई साहब 4-4 साल 3-3 साल टूटती नहीं है, अगर टूट भी गई तो बंदा 50 रुपये का लॉक हर जगह मिल जाएगा। पहली बात तो डायमंड की क्वालिटी अभी टूटती नहीं है, और दूसरी बार टूट भी गई तो 50 रुपये का लॉक मिल जाएगा। भाई साहब मैं हमेशा वो काम करता हूँ, मैं अपने लालच के चक्कर में नहीं चलता, भी किसान कल को मशीन लेके मेरा कस्टमर बन जाए, ना कि भाई वो एक बार लेके बोले भाई इसको मत लेना। मतलब जो मैंने मेन आपको ये बातें, ये कोई भी बंदा बात नहीं पूछता। एक बात और बताता हूँ, हाँ जी, जो ये भाई साहब अपनी ये डिस्क आपको मैं अंदर बनती दिखा देता हूँ, बिल्कुल देखिए, ये प्रॉपर 2.5 mm की है, स्टील में है भाई, ये जिंदल की बनी हुई है, जिंदल स्टील की शीट लेते हैं, देखो स्टील की डिस्क हर कोई लगा रहा है आज की डेट में, उसमें फर्क क्या है, जो मार्केट में स्टील की डिस्क लगती है उसमें जो पुराना स्क्रैप का स्टील होता है उसका एक पटा बन जाता है ऐसे, उसमें दिक्कत क्या होती है भाई, कहीं से वो आपको 3 mm मिलेगा, कहीं से 2 mm मिलेगा, फ्रेश का कहीं से 1.5 मिलेगा, जो फ्रेश माल है ये सब जगह 2.5 mm मिलेगा, ये प्योर जिंदल का माल है जी। ये देखो मैं साइड से भी दिखा दूं, बिल्कुल एक जैसा। और बताऊं एक बात भाई साहब, मेन बात बताऊं, हाँ जी, आप मार्केट में जाओगे आपको लगा होगा भाई ये तीखा किया हुआ है हमने यहाँ से, हाँ ये तीखा नहीं किया होता भाई साहब, हाँ तीखा नहीं, ये पता क्या होता है, हाँ जी, जब हम इसका प्रोसेस करते हैं, हाँ जी, इसको बनाते हैं डिस्क को बेंड करते हैं, तो ये साइडों से हल्का फुल्का इसका बैलेंस आउट जाता है, इसका बैलेंस को निकाला होता है। अच्छा, कई बंदे को, कई कुछ तो फैक्ट्री वालों को भी नहीं पता, अच्छा, जब वो बाहर से लेते हैं उनको भी ऐसे ही लगता है धार लगा भाई, धार लगाई हुई, जबकि जब अगर धार लगाएंगे तो जल्दी घिसेगा, बिल्कुल धार नहीं होती जे, ये देखो इसका कहीं पे एक जैसा नहीं, कहीं पे ज़्यादा है, भी इसका बैलेंस निकाला होता है, फेस उतारा होता है। अच्छा, मैं एक बार दिखा दूँ
इस चीज को गौर से देखो, ये देख लो भाई साहब, इसका यहाँ भी इतना चौड़ाई है, इसमें यहाँ भी कितने कम है, ये देखो भाई, ये अपने वाला कितना मोटा है यहाँ से, ये मोटा ही देखो, लोग इसको मार्केट में बीच लोगों को पता ही नहीं अभी क्या क्वालिटी होती है, वो इसको त्रास त्रास बिल्कुल तीखा कर देते हैं, वो तो इस पे धार लगाते रहते हैं जी, उनको ये होता है भाई पता नहीं इसके काम काटने का, वो तो जो हमारे किसानों के मन में क्या धारणा रहती है कि ये जो तवियां आई है ये भाई साहब ऐसे चलती है, ये मांस को काटेंगे, ठीक है, ये ऐसे चलती है, हाँ जी, अगर जिसको ज्यादा हमने तीखा कर दिया हाँ। तो इसमें घिस के मिट्टी निकल जाएगी, अब ये देखो ऐसे है, अपनी प्रॉपर डाई बनी हुई है हर एक चीज की, हाँ जी, आपको अंदर हम दिखा देंगे, ये स्टील की डिस्क अपने अंदर तैयार होती है, नहीं किसी का कम बैलेंस आ गया, वो तीखा भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं बनती, उसका फेस जोड़ने के लिए उसको तीखा करिया तय करिया तभी उसको साथ में मिल जाए, ये सारी चीजें भाई, ये सारे डिफरेंस जो है आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए, आपको ये तो हमने कुछ भी पार्ट्स नहीं दिखाए क्योंकि समय की भी सबको थोड़ा भी हमारा भी अब थोड़ा लंबा हो जाता है जी, किसान अपने जो है ना बहुत कम किसान होते हैं जो डीपली कोई भी सामान देखते नहीं तो ऊपर ऊपर से देखते हैं, हम इसलिए डीप वीडियो बनाते हैं, तो कि भाई मतलब कि क्या है भी समय की कमी हर के पास, हमारा भी सीजन है, मैं तो ये कहता हूँ भाई हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को अच्छा नहीं कहते, हम तो ये बात बोलते हैं भी सब बढ़िया हैं, पर आप हमारी मशीन जो हमने आपको चीज़ें की ये चीज़ें गौर करके लो, बिल्कुल जी, और हमारे वाली में कभी भी आप चेक कर लो, क्योंकि भाई साहब ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए आप लगाते हैं तो वो 2.5 लाख रुपए आप इस तरीके की ये चीज़ें देख के और जो है आप वसूल करो कि भाई ये सामान हमारे सुपर सीडर के अंदर है, आपने लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, और कौन सी क्वालिटी जो है उसके अंदर लगा रखी है, ये सारी चीज़ें जो हैं देखने लायक हैं, ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये चीज़ जो जितनी मैंने आपको दिखाई आपको अभी कभी भी कोई बंदा इसके बारे में डिस्कस नहीं करता, नहीं कभी नहीं, हमने पहली वीडियो बनाई है ऐसी, क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई पैसे की हर किसी को जरूरत है साहब, एक बात बताओ, अगर ये बीरबल का सुपर सीडर खरीदना है तो कहाँ से खरीदे, जमींदार कैसे खरीदे, अपने हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और आप कंपनी में कॉल कर लो जिस एरिया का, उसी एरिया का हम आपको डीलर का नंबर दे देंगे, हमारे हरियाणा में डीलर हैं, करनाल में है, जींद में है, हिसार में है, अम्बाला में है, सब जगह बैठे हैं आदमी भाई, सिरसा में है, रतिया में है, तो जो एरिया आपको नज़दीक पड़ेगा वहाँ का आपको नंबर दे देंगे हम भाई, जो ये नंबर हैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन मतलब टाइटल के नीचे होता है, कोई भी ज़मींदार को खोल के उसके अंदर देखना है तो आप वहाँ से जो उसको नंबर अपना लेके और जो आसानी से इस सुपर सीडर को रोटावेटर को वहाँ से खरीद सकते हैं। साहब एक बात और, छोटी सी बात और बता दो, क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं? हमारे पास रोटावेटर आप बहुत मशहूर है बीरबल का, किसी मर्जी चेक कर, कितने फुट तक जो है आप रोटावेटर अपना 14 फीट तक का बनता है, फीट से इतने लंबे रोटावेटर को ट्रैक्टर खींच लेते हैं ये भाई साहब, 14 फीट का अपना अभी हमने 70 पीस डिस्पैच किए हैं कैलिफोर्निया के लिए। अच्छा जी, 12 फीट तक तो हमने पंजाब हरियाणा में भी बेचे हुए हैं, आपके हरियाणा में हमारे खूब पीस है, करनाल में हमारे खूब पीस हैं, जींद में है, और इस जलंधर में बहुत हैं, 12 फीट तक तो हमारा पंजाब हरियाणा में खूब बिका है, 14 फीट हमने कैलिफोर्निया भेजा है। अच्छा जी, और 3 फीट से लेके हम बनाते हैं, 3 फीट जो बाग वाला होता है छोटा मिनी, फिर सब तरह की, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया में माल जाता है। अच्छा जी, हमारे पास तो आप एक एक चीज़ इन हाउस है, एक लेज़र लेवलर भी आप लेज़र लेवलर स्टोरी पर DSR स्टेप बाय स्टेप वाली मशीन, जीरो ड्रिल, काफ़ी इम्प्लीमेंट बनते हैं, ट्रॉली। अगर किसी भी किसान भाई ने ये सारा मटेरियल खरीदना है, इम्प्लीमेंट खरीदने हैं, तो डीलर पे जाके आप जो है खरीद सकते हैं। अगर आप जो है कंपनी से खरीदना है, यहाँ का एड्रेस और बता दो जी। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट संगरूर सुनाम रोड चीमा, यहाँ पे आके जो है आप इसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू।